देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि यह धरना प्रदर्शन पुजारियों के द्वारा किया जा रहा है जिस दौरान दिल्ली सरकार से वेतन की मांग की जा रही है। पुजारियों की सैलरी से जुड़ा यह पूरा माजरा क्या है, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। दिल्ली में मंदिर के पुजारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको महीना दे रही है दिल्ली सरकार, तो पुजारियों ने कौन सा पाप किया है? ये धर्म संविधान सबको एक समान अधिकार देता है, फिर ये अरविंद केजरीवाल मंदिर के पुजारियों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जन सैलाब सड़क पे उतर जाता है, हम इस भावना का बीजेपी समर्थन कर रही। इस बयान से भाजपा का पक्ष साफ साफ जाहिर है कि पुजारियों के इस प्रदर्शन को बीजेपी का पूरा समर्थन है। अब इस समर्थन के साथ पुजारियों का दिल्ली सरकार से मांग क्या है, उसे भी जान लीजिए। दिल्ली सरकार मौलवियों को वेतन देती है, इसी वेतन के आधार पर दिल्ली के पुजारी केजरीवाल सरकार से सैलरी की मांग कर रहे हैं। इन पुजारियों के समर्थन में भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नेल सिंह के साथ दूसरे नेता भी आवाज उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को पिछले साल भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी उठाया था। उस दौरान मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में भाजपा नेता ने मस्जिदों के मौलवियों की तरह मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी तनख्वाह देने की मांग की थी। अपने पत्र में परवेश वर्मा ने कहा था कि संविधान की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है, टैक्स देने वाले सभी हैं, किसी एक धार्मिक वर्ग पर खर्च नहीं होना चाहिए, जनता के पैसों पर सभी धार्मिक वर्ग के लोगों का समान अधिकार है, इसलिए पुजारियों को भी वेतन मिलनी चाहिए। फिलहाल जिस तरह से दिल्ली के पुजारियों का सैलरी को लेकर धरना जारी है, वो केजरीवाल सरकार की अपनाई गई तथाकथित धार्मिक रवैये को उजागर जरूर करती है। चलते चलते आपको भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के उस बयान के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें वे सीधे तौर पर सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस देश में सभी लोग एक समान है, ये केजरीवाल ने कहा है अपने ट्विटर हैंडल पर, खोलना केजरीवाल का ट्विटर हैंडल, सभी लोग सभी धर्म सभी जाति एक समान है। जब एक समान है और मौलवियों को मुजाहिदों को अजान लगाने वाले को सैलरी 18-16 हजार रुपए 40 हजार रुपए, तो मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं, गुरुद्वारा के ग्रंथी को क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं दी जाती? तो इसीलिए यही मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा अधिकार, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। अल्पसंख्यक हो जा, कांग्रेस कहाँ चली गई, कांग्रेस कहाँ चली गई, तो केजरी दिल्ली के लगभग 16-17 हजार मौलवियों को उनके मस्जिदों में सैलरी दी जाती है, पिछले 3 साल से दी जा रही है, लगभग 8-9 करोड़ रुपया बांटा जाता है, और मंदिर के पुजारी को फिर क्यों नहीं है? और आप अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हो, आपने लिखा है जी, आप उनका ट्विटर हैंडल खोलिए केजरीवाल का और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये देश के 125 करोड़ लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा हुआ आपने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।